वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का आपका पेपर। कल आपका जो है एग्जाम होने वाला, आप सभी को पता होगा 25 मार्च को आपका एग्जाम है, यानी कल बिजनेस स्टडीज के बच्चों का एग्जाम होने वाला है। काफी ज्यादा बच्चे कमेंट करके बता रहे थे पेपर के लिए, आपको पेपर पूछ रहे थे पेपर कब आएगा बिजनेस स्टडीज का। देखिए, बिजनेस स्टडीज हमारे पास थी नहीं और हमें उतनी अच्छे तरीके से नहीं आती। पूरी कोशिश करूंगा आज की इस वीडियो में मैं आपको बिजनेस स्टडीज के पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, या पूरा पेपर हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, आपका पैटर्न होगा पेपर का पूरा, किस तरह से कल का पेपर रहने वाला है वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बिजनेस स्टडीज का आपका पेपर दिख रहा होगा आपको, और 80 नंबर का आपका पेपर आता है। 3 घंटे आपके पास होंगे पेपर को करने के लिए, ये सभी बच्चों को पता होगा। इसके अगर हम पैटर्न की बात करें तो टोटल जो क्वेश्चन है वो 34 क्वेश्चन रहेंगे आपके पेपर में। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके अंक दे दिए जाएंगे, मैं आपको बताते जाऊंगा सेक्शन वाइज कितने अंक का कौन सा क्वेश्चन है। उत्तर संक्षिप्त और बिंदु तक होने चाहिए। 3 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर आपको 50 से 75 शब्दों से अधिक नहीं देने, और 4 अंक वाले क्वेश्चन के आंसर आपको 150 शब्दों में देने हैं। 6 अंकों के क्वेश्चन के आंसर आपको 200 शब्दों में देने हैं, यानी उससे ज्यादा नहीं देने, ठीक है। तो ये इस तरह से पैटर्न है। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो कुछ इस तरह से पढ़ पाएंगे इंस्ट्रक्शन जो आपके दिए हुए। दिस क्वेश्चन पेपर कंटेंट्स 34 क्वेश्चंस, मार्क आर जो है इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, आंसर शुड बी ब्रीफ एंड टू बी द पॉइंट, आंसर टू द क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क्स में बी फॉर्म 50 to 75 वर्ड्स, ये होंगे आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन 150 वर्ड्स 150 वर्ड्स एंड 6 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे 200 वर्ड्स के। तो ये इंग्लिश मीडियम में है पेपर, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो सेक्शन आता है सेक्शन ए, जिसे आप खंड का कह सकते हैं, 20 नंबर का रहेगा और इसके अंदर जो क्वेश्चन रहेंगे सभी एमसीक्यू टाइप रहेंगे। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है आपका, ऋषभ जो है वो एक क्रिएटिव हेड के रूप में एक मनोरंजन कंपनी अवतार में शामिल है। कंपनी का नाम क्या है? अवतार, इसमें शामिल हुए हैं। कंपनी की रचनात्मक इकाई की देखभाल करने वाले एक प्रबंधक के रूप में उन्हें जो कार्य करना है उनमें से एक आयोजन की प्रक्रिया है। पहले से निर्धारित योजनाओं के अनुसार किए जाने वाले कार्य को पहचानने और विभाजित करने के बाद उसे प्रक्रिया के किस चरण को करने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका, देखेंगे बिजनेस स्टडीज के मैंने क्वेश्चंस देखे तो आपके ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन है, ठीक है, 5-5 लाइन के 7-7 लाइन के क्वेश्चन पूछे गए। इसमें आपको एक वो दे दिया जाता है पैराग्राफ सा, उसमें से पूछा गया है कि इसमें जो पूछा गया है कि पहले से निर्धारित योजनाओं के अनुसार किए जाने वाले कार्य को पहचानना है और विभाजित करने के बाद उसे प्रक्रिया के किस चरण को करने की आवश्यकता होगी। कार्य की पहचान और विभाजन, ठीक है, विभागीकरण, कर्तव्य का असाइनमेंट या रिपोर्टिंग से संबंधित संबंध स्थापित करना, आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो निकल कर आएगा राइट आंसर जो हमारा ऑप्शन ख, विभागीकरण, ठीक है, ये आंसर सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। मैं बहुत ज्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा आंसर्स को, ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, आप अगर इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में बताया गया है, ऋषभ ज्वाइंट एंड एंटरटेनमेंट कंपनी अवतार एज अ क्रिएटिव हेड एज अ मैनेजर लुकिंग आफ्टर द क्रिएटिव यूनिट ऑफ द कंपनी, वन ऑफ द फंक्शंस ही हैज टू प्लेटफॉर्म परफॉर्म इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, विच स्टेप ऑफ द प्रोसेस विल ही नीड टू परफॉर्म आफ्टर identifying and dividing the work that has to be done in accordance with जो है previously determined plans। तो right answer मैंने आपको बता दिया, right answer आपका option जो B है वो निकल कर आ जाएगा, right answer B आ जाएगा। तो ये English medium के जो बच्चे हैं वो यहाँ देख सकते हैं। आगे question आते हैं, हम दूसरे questions पे आते हैं। जब परिवर्तन बहुत बार बार हो रहे हो और भविष्य की भविष्यवाणी करना क्या हो बहुत ज्यादा मुश्किल हो, कठिन हो जाए, तो व्यावसायिक वातावरण किस विशेषता पर प्रकाश डाला जाता है, कि व्यावसायिक वातावरण की किस विशेषता पर प्रकाश डाला जाता है, अनिश्चितता, जटिलता, अंतर संबद्धता या सापेक्षता, ये आपके सामने ऑप्शन है। राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन का अनिश्चितता, ठीक है, ये राइट आंसर निकल कर आ जाएगा अनसर्टेनिटी, ठीक है, अनसर्टेनिटी ये आपका राइट आंसर आ जाएगा इंग्लिश मीडियम में अगर आप पढ़ेंगे। क्वेश्चन दूसरा इंग्लिश मीडियम में, विच जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट इज हाईलाइटेड व्हेन द चेंजेस आर लुकिंग प्लेस टू फ्रीक्वेंटली
एंड इट बिकम डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर तीसरा है। ये एक कंपनी का नाम दिया हुआ है, आरोहण लिमिटेड ऑटोमोबाइल, ठीक है, ऑटोमोबाइल बनाने वाली एक कंपनी है, जहां उत्पादन, खरीद, विपणन, लेखा और कर्मियों सहित जो है प्रमुख क्षेत्रों में काम का विभाजन होता है, यानी काम का बंटवारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आरोहण लिमिटेड की संगठनात्मक संरचना का नुकसान है, ठीक है। तो ये आपके सामने नीचे पॉइंट दिए हुए आप यहाँ पे देख सकते हैं। इससे लागत में वृद्धि हो सकती है, प्रबंधक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं और स्वतंत्रता का दावा कर सकते हैं और संगठन के हितों की उपेक्षा कर सकते हैं। तीसरा बोला गया, यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न कार्यों पर उचित ध्यान दिया जाए। या चौथा है, शीर्ष प्रबंधन पदों के लिए प्रमुखों को प्रशिक्षण नहीं मिलता है। तो ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन जो है घाई आ जाएगा कि शीर्ष प्रबंधन पदों के लिए प्रमुखों को प्रशिक्षण नहीं मिलता है। तो ये राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन था जैसे, इनमें से कौन सा आरोहण लिमिटेड की संगठनात्मक संरचना का नुकसान है, तो घ आ जाएगा, ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में आप इसे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन तीसरा, आरोहण लिमिटेड इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल्स वेयर डिवीजन ऑफ वर्क इनटू की एरियाज इंक्लूड्स जो है प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, अकाउंट्स एंड पर्सनल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ आरोहण लिमिटेड। तो राइट आंसर मैंने आपको बताया, राइट आंसर आपका डी आ जाएगा, हैड डू नॉट गेट जो है ट्रेनिंग फॉर टॉप मैनेजमेंट जो है पोजीशंस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, इसमें पूछा गया है इस चित्र से रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर आपने चित्र देख लिया तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोला गया है, ऊपर दिए गए चित्र द्वारा दर्शाए गए कारोबारी माहौल के आयामों की पहचान करना है आपको, जिसमें सपना, ये लड़की है जो हाल ही में जो है कार्यबल में शामिल हुई है, एक लेखांकन सॉफ्टवेयर पर जो है वो काम कर रही है। तो कौन सा काम है ये, तकनीकी और सामाजिक है, ठीक है, तकनीकी और राजनीतिक है, राजनीतिक और आर्थिक है, या सामाजिक और कानूनी है। तो राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, वो आपका आ जाएगा तकनीकी और सामाजिक, ठीक है। ऑप्शन जो का है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। अगर आप इसे इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है आपको आइडेंटिफाई करना है वर्क कौन सा है। तो यहाँ पे निकल कर आ जाएगा ऑप्शन ए, टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं इंग्लिश मीडियम में, यहाँ पे दिया हुआ है। बहुत ज्यादा लंबी वीडियो ना बने इसीलिए मैं जो है हिंदी में कोशिश करूंगा आपको दिखाने की, क्वेश्चन पूरा पढ़ के इंग्लिश मीडियम में भी मैं जहां हो सके वहां मैं आपको दिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर पांचवा देखिए, उस कारण की पहचान करें जो प्रबंधन को इस तथ्य के आलोक में महत्वपूर्ण बनाता है कि आमतौर पर यह देखा जाता है कि संगठन में व्यक्ति परिवर्तन का विरोध करते, ठीक है। संगठन में हमेशा देखा जाता है कि जो भी परिवर्तन होता है उसका विरोध किया जाता है, क्योंकि परिवर्तन का अर्थ क्या है, अक्सर एक परिचित सुरक्षित वातावरण से एक नए और अधिक चुनौतीपूर्ण वातावरण में जाना होता है। ये बात सही है। तो आपको पहचान करना है वो क्या कारण है। तो प्रबंधन समूह लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है, प्रबंधन एक गतिशील संगठन बनाता है, प्रबंधन दक्षता बढ़ाता है, या प्रबंधन समाज के विकास में मदद करता है। ये आपके सामने क्वेश्चन दिए हुए, राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। प्रबंधन क्या, एक गतिशील संगठन बनाता है। गतिशील आप देखेंगे, गतिशील का मतलब क्या होता है कि हमेशा बदलाव होते रहना। तो प्रबंधन क्या, एक गतिशील संगठन बनाता है, ये राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। अगर आप इसे इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, आइडेंटिफाई द रीजन विच मेक्स मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट इन द लाइट ऑफ द फैक्ट दैट इज जनरली सीन दैट इंडिविजुअल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन रेसिस्ट चेंज एज अ चेंज ऑफन मीन्स मूविंग फ्रॉम अ फैमिलियर सिक्योर एनवायरमेंट इनटू अ नेवर एंड अ मोर चैलेंजिंग वन। तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका ऑप्शन जो बी है, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, भारत सरकार ने 8 नवंबर 2016 को भारतीय अर्थव्यवस्था के विमुद्रीकरण के बारे में एक घोषणा की। मतलब ये जो है जब हमारे यहाँ नोटबंदी हुई थी, ठीक है, और विमुद्रीकरण यानी दोबारा से छापना, जिसके गहरे निहितार्थ थे, वह प्रक्रिया जो घरेलू धन और बैंक जमा की परिवर्तनीयता पर प्रतिबंध लगाती है, का उद्देश्य कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था बनाना था।
कैश लाइट अर्थव्यवस्था के खिलाफ यह तर्क है कि, ये आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट आंसर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है, इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा इंटरनेट कनेक्टिविटी एक शर्त है, ऑप्शन जो है का इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। बाकी अब क्वेश्चन को कुछ इस तरह से पढ़ सकते हैं, ठीक है। वह प्रक्रिया जो घरेलू धन और बैंक जमा की परिवर्तनीयता पर प्रतिबंध लगाती है का उद्देश्य कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था बनाना था। कैश लाइट अर्थव्यवस्था के खिलाफ एक तर्क है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी एक शर्त है इसकी। आगे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को इंग्लिश मीडियम में, तो कुछ इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका राइट आंसर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है इज अ प्री रिक्वेस्ट साइट, ऑप्शन जो आपका ए है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ पे नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जो है 21 अगस्त 2022 से मूल्य सीमा हटाने के निर्णय के कारण जो है एयरलाइनें सेक्टरों मार्गों पर जो है ग्राहकों को कम मूल्य निर्धारण का लाभ देने में सक्षम होगी। इससे किसी एयरलाइन को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिल सकती है यदि वे शीघ्र निर्णय लेते हैं। समझने और विश्लेषण करने के बाद भविष्य की कार्रवाई के बारे में कारोबारी जो है माहौल के किस महत्व और प्रबंधकों द्वारा इसकी समझ को ऊपर रेखांकित नहीं किया गया है। तो यहाँ पे आपको बताना है, आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। ये प्रदर्शन में सुधार करने में मदद करेगा, ये योजना और नीति निर्माण की सहायता में मदद करेगा, ठीक है। यह उपयोगी संसाधनों के दोहन में मदद करता है, ये फर्म को अवसरों की पहचान करने और प्रथम प्रस्तावक लाभ प्राप्त जो है करने में सक्षम बनाता है। तो ये आपका क्वेश्चन है आपके सामने, एंड आंसर जो निकल कर आ जाएगा इसका वो आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का कि यह उपयोगी संसाधन जो होते उसके दोहन में मदद करता है यानी यूज में। तो ऑप्शन जो ग है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से आपका क्वेश्चन है 7 इंग्लिश मीडियम में, एंड इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका कि इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेस, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, अलो एक जो है मोबिलिटी प्लेटफॉर्म लागत दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से 400-500 कर्मचारियों की छटनी करने की प्रक्रिया में है, ठीक है। इस प्रक्रिया को पूरा करने से फर्म प्रबंधक के किस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएगी? दक्षता, सामाजिक जो है लाभ या उत्तर जीविका होगा यहाँ पे। तो राइट आंसर जो इसका निकल कर आ जाएगा 8 का कि अलो एक मोबिलिटी प्लेटफॉर्म लागत दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य क्या है, 400-500 जो कर्मचारी काम कर रहे उसमें से छटनी करने की प्रक्रिया में है। इस प्रक्रिया को पूरा करने से फर्म जो प्रबंधन है उसको कौन से जो उद्देश्य है वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे? तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, राइट आंसर निकल कर आ जाएगा सामाजिक, ऑप्शन था ये सामाजिक जो उद्देश्य है वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर आप इसे इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो कुछ इस तरह से है, अलो मोबिलिटी प्लेटफॉर्म इज इन द प्रोसेस ऑफ लेइंग ऑफ 400-500 एम्प्लॉइज इन अ मूव एम्ड एट ड्राइविंग कॉस्ट इफिशियंसी विच ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट विल द फर्म नॉट बी एबल टू अचीव बाई कैरिंग आउट दिस प्रोसेस। तो राइट आंसर मैंने आपको बताया सोशल, यानी आपका ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राधा ने घर पर खाना पहुंचाने वाली डब्बा शुरू की है। उसकी माँ जो एक बहुत अच्छी रसोईया है, उसने क्या किया, उसकी मदद से जो है करने का यह फैसला किया। वे आदेशों के लिए जो है दोस्तों और परिवार पर निर्भर थे और फिर मौखिक रूप से यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में एकदम से रूप में जो है स्वस्थ, अच्छी गुणवत्ता, उचित भोजन और लाभ कमाने की उनकी योजना के अनुसार गतिविधियां की जाती है। उन्होंने गुणात्मक और जो है मात्रात्मक दोनों बेंचमार्क रखने का फैसला किया है जिसके लिए वह काम करने का प्रयास करेगी। प्रबंधन के एक कार्य की चर्चा उस पर की जा रही है, प्रबंधन के इस कार्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है आपको बतानी है। तो यह प्रबंधन का पहला जो है कार्य है, यह प्रबंधन का अंतिम कार्य है, यह फॉरवर्ड लुकिंग और बैकवर्ड लुकिंग दोनों है, ठीक है, या यह केवल व्यापारिक संगठनों में आवश्यक है। तो यह आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा कि यह फॉरवर्ड लुकिंग और जो है बैकवर्ड लुकिंग दोनों है। तो ऑप्शन जो ग है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आपने देखा होगा मुंबई जैसे इलाकों में बहुत ज्यादा चलता है खाना घर पर ही जो है खाना बनाकर
फिर उसको डब्बे वाला जो लंच देते हैं, ठीक है, ये आपने देखा होगा मुंबई जैसे इलाकों में, ये मैंने सुना है इसके बारे में कि वहां ज्यादा होता है। इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से क्वेश्चन है एंड इसका राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा, इट इज बोथ फॉरवर्ड लुकिंग एंड जो है बैकवर्ड लुकिंग, तो ऑप्शन आपका जो सी है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां पूछा गया कुछ इस तरह से, रमन और वासुदेव दो कर्मचारी थे जो वाराणसी में एक आयात निर्यात कंपनी में गबन कर रहे थे। जहां वे काम कर रहे थे, कंपनी के वित्त प्रबंधक सपत सिंह को दोनों कर्मचारियों पर शक हुआ। जब उन्हें पता चला कि उनकी गतिविधियां योजनाओं के अनुसार नहीं हो रही है, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम स्थापित किया जो संदिग्ध है उनके जो है कंप्यूटर कुंजियों को, हर एक स्ट्रोक को गुप्त रूप से जो है लॉगिन जो है वो लॉक कर सकता है, और साइबर पुलिस को एक जो है एनक्रिप्टेड ईमेल जो है रिपोर्ट भेज सकता था। पुलिस ने दोनों बेईमान कर्मचारियों को रंगे हाथ पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। उस पर चर्चा किए जा रहे प्रबंधन के कार्य को पहचानना है, स्टॉक समन्वय नियंत्रित करना या आयोजन, ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए, इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा नियंत्रित करना, ऑप्शन जो ग है वो सही हो जाएगा, कंट्रोलिंग। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में आप इसे कुछ इस तरह से क्वेश्चन को देखेंगे एंड आंसर आप देखना चाहते हैं कुछ इस तरह से, ये आंसर हो जाएगा कंट्रोलिंग, ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11वां है, प्रबंधन के कार्य के परिणाम जो है का नाम बताइए जिसमें उपयुक्त रूप से कुशल लोगों द्वारा जो है भारी जाने वाली भूमिका, ठीक है, भरी जाने वाली भूमिकाओं की रूपरेखा तैयार करना और भूमिकाओं के बीच अंतर संबंध को परिभाषित करना शामिल है, ताकि कर्तव्यों के प्रदर्शन में अस्पष्टता को समाप्त किया जा सके। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका निकल कर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11वां है संगठन संरचना, ऑप्शन जो का है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो है स्ट्रक्चर निकल कर राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका। इंग्लिश मीडियम में भी आप इसे पढ़ सकते हैं, नेम ऑफ द आउटकम ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इंक्लूड्स डिजाइनिंग ऑफ रोल्स टू बी फील्ड बाय जो है सुटेबली स्किल्ड पीपल एंड जो है डिफाइनिंग द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन रोल्स सो दैट जो है एम्बिग्युटी इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज कैन बी जो है एलिमिनेटेड। तो यहाँ पे जो निकल कर आ जाएगा एलिमिनेटेड, ऑप्शन ए ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 12वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12वां आपका कथन दिया हुआ है, दो कथन है। सबसे पहला कथन क्या कहा गया, परिवहन समय जो है समय उपयोगिता बनाने में मदद करता है और भंडारण स्थान उपयोगिता बनाने में मदद करता है। आगे देखिए कथन दूसरा बोला गया, उत्पादों को उनकी महत्वपूर्ण विशेषताओं के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया को मानकीकरण के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका कथन दिया हुआ है, इसके विकल्प आपको नीचे दिखेंगे। कथन एक सत्य है और दूसरा असत्य है, कथन दूसरा असत्य है और यह पहला असत्य है, दोनों सत्य है दोनों असत्य है, ये आपके क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा कि दोनों जो कथन है वो गलत है, यानी आपका दोनों कथन गलत है, यानी ऑप्शन जो घ देखेंगे आप सही निकल कर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में आप इसे कुछ इस तरह से देख सकते हैं, स्टेटमेंट दिया हुआ है, दोनों स्टेटमेंट पहला एंड दूसरा, इसका जो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन डी, बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स, तो राइट आंसर आपका डी निकल कर आ जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13वें की तरफ। यहाँ पे मिलान दिया हुआ है, आपको मिलान करने के लिए बोला गया, वित्तीय बाजार कॉलम पहला और की विभिन्न शर्तों को कॉलम दो में उनके संबंधित विवरणों के साथ सुमेलित करना है। तो वित्तीय बाजार क्या निकल कर आ जाएगा, प्राथमिक बाजार और माध्यमिक बाजार, आपके नीचे ऑप्शंस दिए हुए आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, जो राइट आंसर निकल कर आएगा आपका यहाँ पे आपके ये ऑप्शन दिए हुए हैं एंड आपका राइट आंसर अगर हम देखें जो वित्तीय बाजार है ये आपका मैच हो जाएगा इससे, यह वित्तीय संपत्तियों के निर्माण और विनिमय के लिए जो है एक बाजार है, पहला हो जाएगा यानी ए का इससे मैच हो जाएगा। प्राथमिक बाजार क्या है, प्राथमिक बाजार निकल कर आ जाएगा वह इसे जो है न्यू इश्यू मार्केट के रूप में इसे देखा जाता है एंड माध्यमिक बाजार आपका निकल कर आ जाएगा, इसे शेयर बाजार के रूप में भी जाना जाता है यानी माध्यमिक बाजार को। अगर आप ऑप्शन देखेंगे इसके अंदर तो राइट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा पहले का दूसरा जो है हमारा इसी में दिख रहा है हमें, तो ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में आप इसे मैच कर सकते हैं, पहले का निकल कर आ जाएगा जो फाइनेंशियल मार्केट है वो दूसरा, ठीक है, प्राइमरी जो मार्केट है
इसे जो है एक न्यू इशू के रूप में देखा जाता है एंड सेकेंडरी मार्केट जो निकल कर आ जाएगा इसे स्टॉक मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका कुछ इस तरह से मैच हो जाएगा, आंसर जो निकल कर आएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो पूछा गया है, स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रत्येक लेन देन के लिए निर्दिष्ट संख्या जो है और अनुबंध नोट पर मुद्रित होती है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके द्वारा प्रत्येक जो लेन देन होता है उसके के लिए जो है निर्दिष्ट संख्या और अनुबंध नोट पर क्या मुद्रित होती है, क्लाइंट कोड नंबर जो है अद्वितीय जो है आदेश कोड, स्थायी खाता संख्या या डिपॉजिटरी जो है पार्टिसिपेंट नंबर, यहाँ पे बोला गया पार्टिसिपेंट नंबर सॉरी। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसका जो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा यूनिक ऑर्डर कोड यानी आपका जो है अद्वितीय आदेश कोड, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन जो खा है वो सही हो जाएगा। अगर आप इसे इंग्लिश मीडियम में देखेंगे ये क्वेश्चन है, इज द नंबर ऑफ असाइंड टू ईच ट्रांजेक्शन बाय द स्टॉक एक्सचेंज एंड इज जो है प्रिंटेड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट नोट, जो यहाँ पे निकल कर आ जाएगा ऑप्शन बी यूनिक ऑर्डर कोड, ठीक है, ये निकल कर आ जाएगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया आपका, के विपणन कार्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण निर्णय क्षेत्रों में से एक वस्तु सूची का प्रबंधन है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिए हुए, राइट जो आंसर निकल कर आ जाएगा आपका भौतिक वितरण। भौतिक वितरण के विपणन कार्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण निर्णय क्षेत्रों में से एक वस्तु सूची का प्रबंधन है, ऑप्शन जो घ है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। एंड आप इसे इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजन एरियाज अंडर द मार्केटिंग फंक्शंस ऑफ जो है फिजिकल जो है डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर निकल कर ऑप्शन डी निकल कर आ जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आए, ये आपका पूछा गया है कौन सा कथन जो है गलत है आपको बताना है इनमें से। तो ये आपके कथन दिए हुए यानी कौन सा पॉइंट आपको बताना है कि कौन सा गलत है। तो इसका जो हम राइट आंसर देखे क्वेश्चन नंबर 16 है वो आ जाएगा भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड, ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग को नियंत्रित करने और ऐसी प्रथाओं के लिए दंड लगाने का नियामक कार्य करता है। तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन जो ग है वो ये गलत निकल कर आ जाएगा। अगर आप इसे इंग्लिश मीडियम में देखेंगे कुछ इस तरह से निकल कर आ जाएगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया परफॉर्म द जो है रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग एंड जो है इम्पोजिंग जो है पेनल्टीज फॉर सच प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये राइट आंसर ऑप्शन सी निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया है, निम्नलिखित में से एक को विपणन अवधारणा का विस्तार माना जाता है जो ग्राहकों की संतुष्टि के अलावा विपणन के नैतिक और पारिस्थितिक पहलुओं पर ध्यान देता है। अवधारणाओं को आपको पहचानना है, तो ये निकल कर आ जाएगा आपका बेचने की अवधारणा, उत्पाद की अवधारणा, उत्पादन की अवधारणा या सामाजिक विपणन अवधारणा। तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका वो निकल कर आ जाएगा सोशल मार्केटिंग जो इस कॉन्सेप्ट होता है यानी आपका यहाँ पे सामाजिक विपणन अवधारणा, ऑप्शन जो घ है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। एंड आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा हुआ है एंड इसके आंसर जो निकल कर आ जाएंगे आपका ऑप्शन डी, ठीक है, सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्पाद की लागत किसी उत्पाद के लिए कीमत की निचली सीमा निर्धारित करती है, ठीक है, जबकि कीमत की ऊपरी सीमा जो एक खरीदार भुगतान करने के लिए तैयार होगी उसके द्वारा तय की जाती है। तो ये आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, उत्पाद की जो है उपयोगिता और मांग, फर्म के विपणन प्रबंधक, सरकार या फर्म की प्रतियोगी, यहाँ पे आपके सामने पूछा गया है एंड इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका उत्पाद की उपयोगिता और मांग इसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी ऑप्शन जो का है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाइल द प्रोडक्ट कॉस्ट सेट द लोअर लिमिट्स ऑफ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, द अपर लिमिट ऑफ प्राइस विच अ बायर वुड बी प्रिपेयर्ड टू पे इज जो है डिसाइडेड बाय यूटिलिटी एंड जो है डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, विज्ञापन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है, ठीक है, विज्ञापन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यह संचार का एक व्यक्तिगत रूप है, संचार का एक सशुल्क रूप है, ये एक मास सेलिंग तकनीक है या यह जो है
अनमय है क्योंकि संदेश को खरीदार की जरूरतों के अनुसार समायोजित नहीं किया जा सकता। तो विज्ञापन के बारे में कौन सा कथन गलत है इसमें आपको बताना है। तो ये राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा, ये संचार का एक व्यक्तिगत रूप है, ऑप्शन जो क है ये राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ये गलत है। इंग्लिश मीडियम में आप इसे देख सकते। क्वेश्चन नंबर 19वां, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है अबाउट एडवर्टाइजिंग इनकरेक्ट। तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, इट इज अ पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20वां है, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग प्रक्रिया में शामिल कदमों को जो है सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में अगर बहुत कम लोग ही जानते होंगे, ठीक है, डिटेल में, तो यहाँ पे बोला गया ट्रेडिंग प्रक्रिया में शामिल जो कदम है, पहले कौन सा स्टेप लेता है लिया जाता है, फिर उसके बाद कौन सा, फिर उसके बाद कौन सा, आपको बताना है। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो सबसे पहला डीमैट अकाउंट खोलना, ठीक है, पहला डीमैट अकाउंट खोला जाता है एंड दूसरा हो गया पहला, ठीक है। इसके बाद जो निकल कर आता है आपका तीसरा, ऑर्डर देना, इसके बाद ऑर्डर दिया जाता है, तीसरा आपका निकल कर आ जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो आदेश का निष्पादन यानी ऑप्शन जो चौथा है वो हो जाएगा, और आदेश का निपटान पहला। तो कुछ इस तरह से ये इस जो है लाइन में रहता है। इसमें आपको देखना है कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो है राइट निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पे दूसरा है लेकिन चौथा आगे, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है, पहला है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा तो है नहीं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला। तो ऑप्शन जो घ देखेंगे हम वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं हम इंग्लिश मीडियम में, अगर आप इसे देखना चाहते तो यहाँ पे बोला गया है अरेंज करना है आपको, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ जैसे सेटलमेंट ऑफ ऑर्डर, ओपनिंग ऑफ अ डीमैट अकाउंट, तो पहला ही आपका दूसरा निकल कर आ जाता है। उसके बाद प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर निकल कर आ जाएगा यानी तीसरा निकल कर आ जाएगा, फिर चौथा निकल कर आ जाएगा, फिर पहला निकल कर आ जाएगा। तो ये लाइन से इस तरह से लगेगा, तो आपका ऑप्शन जो डी है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। यहाँ तक जो हमने देखा वो सभी एमसीक्यू क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए, ये सभी एक एक नंबर के हैं एंड आपका जो है सेक्शन ए एमसीक्यू वाला होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। हम चलते हैं अब सेक्शन बी की तरफ, ठीक है। ये आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं, ये हमने सब डिस्कस किया है। अब सेक्शन बी की तरफ आते हैं हम। सेक्शन बी के जो क्वेश्चन रहेंगे वो सभी तीन तीन नंबर के रहेंगे और वो डिस्कस करते हैं हम। अब सेक्शन बी यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है और ये इनमें जो क्वेश्चन रहेंगे आपके ये सभी तीन तीन नंबर वाले रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन दिखेंगे वो आपको तीन नंबर के चार क्वेश्चन दिखेंगे, तो यानी तीन चौक 12 नंबर का आपका सेक्शन बी रहेगा, खंड ख रहेगा। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन आपके क्वेश्चन ज्यादा बड़े बड़े हैं इसके। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है, पूरे संगठन के लिए शीर्ष प्रबंधन योजनाएं, ये इन योजनाओं के अनुसार जो है संगठनात्मक संरचना विकसित और कर्मचारियों की है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि इन योजनाओं का को योजनाओं के अनुसार क्रियान्वित जो है कैसे काम में लिया जाए, यानी निर्देशन की आवश्यकता है। वास्तविक और वास्तविक गतिविधियों के बीच किसी भी तरह की विसंगतियों को नियंत्रित करने की के चरण में ध्यान रखा जाता है, उस प्रक्रिया का नाम और व्याख्या करें जो हाईलाइट की गई है। ऊपर जो हाईलाइट किया गया उस प्रक्रिया का नाम और उसके बारे में आपको व्याख्या करनी है, जो योजना के स्तर पर ही शुरू हुई और एक संगठन में प्रबंधन के सभी कार्यों में अंतर्निहित और निहित है। तो यहाँ पे हम देखेंगे समन्वय, इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, इसे समन्वय कहा जाएगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक प्रबंधक विभिन्न विभागों की गतिविधियों को जो है समन्वित करता है, समन्वय के रूप में जाना जाता है। समन्वय क्या है? वह बल है जो प्रबंधन के अन्य सभी कार्यों को बांधता है, यह सामान्य धागा है जो सभी गतिविधियों के माध्यम से चलता है। एक संगठन के सभी कार्यों में अंतर्निहित और निहित है, ठीक है, अंतर्निहित और निहित है। तो ये राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, समन्वय के बारे में पूछा गया था। अगर आगे हम आए इंग्लिश मीडियम में तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 21 इंग्लिश मीडियम, आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन पूछा गया था, यहाँ पे इसका आंसर है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है एंड एक्सप्लेन किया गया है कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है, ठीक है। जैसे कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट, इट इज द कॉमन थ्रेड दैट रन्स थ्रू ऑल एक्टिविटीज, इट इज इम्प्लिसिट एंड जो है इनहेरेंट इन द फंक्शंस इन ऑल फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो कुछ इस तरह से इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। श्रीमती अहिल्या पासी नई दिल्ली के एक प्रतिष्ठित स्कूल की प्रिंसिपल है, स्कूल के जूनियर विंग के हेडमिस्ट्रेस, ठीक है,
हेड मिस्ट्रेस जो है हेडमास्टर का जो पद है वो खाली है। स्कूल के वरिष्ठ शिक्षकों की राय है कि इस पद के लिए केवल आंतरिक उम्मीदवार पर विचार किया जाना चाहिए। हालांकि श्रीमती पासी और प्रबंधन बाहरी स्रोतों का से भी क्या है आवेदन आमंत्रित करना चाहेंगे। रिक्त पद के लिए बाहरी उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित करने के लिए कर्मचारियों को समझाने के लिए प्रबंधन द्वारा प्रदान किए जा सकने वाले किन्हीं तीन औचित्यों के संक्षिप्त में व्याख्या करना है। तो क्या क्या बाहरी स्रोतों के कौन कौन से गुण है, जैसे योग्य होना चाहिए, योग्य कर्मी, भर्ती के बाहरी स्रोतों का उपयोग करके संगठन में रिक्त जो नौकरी है यानी बची हुई जो नौकरी है उसके आवेदन करने के लिए प्रबंधन योग्य और प्रशिक्षित लोगों को आकर्षित कर सकता है। व्यापक विकल्प, जब रिक्तियों को बुद्धिमानी से विज्ञापित किया जाता है तो संगठन के बाहर बड़ी संख्या में आवेदक आवेदन कर सकते हैं। रोजगार के लिए जो है लोगों का चयन करते समय प्रबंधन के पास जो है व्यापक विकल्प होते हैं। कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। आगे हम देखें, क्वेश्चन है जो आगे पॉइंट है, नई प्रतिमा, ठीक है, नई प्रतिभा होनी चाहिए, यानी वर्तमान कर्मचारी अपर्याप्त हो सकते हैं या वे भरी जाने वाली नौकरियों के विनिर्देशों को पूरा नहीं कर सकते। बाहरी भर्ती व्यापक विकल्प प्रदान करती है और संगठन में नया रक्त जो है लाती है। प्रतिस्पर्धात्मक भावना, यदि कोई कंपनी बाहरी स्रोतों का दोहन करती है तो मौजूदा स्रोतों मौजूदा कर्मचारियों को बाहरी लोगों के साथ जो है प्रतिस्पर्धा करनी होगी, वह बेहतर प्रदर्शन दिखाने के लिए और अधिक मेहनत करेंगे। तो कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आगे हम आते हैं इसी को, अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 कुछ इस तरह से है आपका, ठीक है। यहाँ पे जो है बताया हुआ है मेरिट क्या है एक्सटर्नल सोर्सेज के, तो यहाँ पे क्वालिफाइड पर्सनल जो है होना चाहिए, वाइडर चॉइस होनी चाहिए, न्यू टैलेंट एंड जो है कॉम्पिटिटिव जो है स्क्रिप्ट जो है होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ इस तरह के पॉइंट है इंग्लिश मीडियम में, इसे आप देख सकते हैं। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। नियंत्रण की प्रक्रिया में एक कदम विचलन का विश्लेषण करने में संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु नियंत्रण की व्याख्या करें, उपयुक्त उदाहरण दीजिए। आपको जो है नियंत्रण की व्याख्या करनी है, महत्वपूर्ण बिंदु नियंत्रण, जो नियंत्रण है महत्वपूर्ण बिंदु नियंत्रण उसके बारे में बताना है। तो महत्वपूर्ण बिंदु नियंत्रण कैसे संगठन में प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखना हो तो किफायती है और ना ही आसान, ठीक है। यानी किसी संगठन में प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखना ना तो किफायती है और ना ही आसान है, इसलिए नियंत्रण को प्रमुख परिणाम क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो किसी संगठन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। ये KRA महत्वपूर्ण बिंदुओं के रूप में सेट किए गए हैं। यदि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कुछ भी गलत होता है तो पूरे संगठन को क्या है उसका भुगतान करना पड़ता है। उदाहरण के लिए एक निर्माण संगठन में डाक शुल्क में 15% की वृद्धि की तुलना में श्रम लागत में 5% की वृद्धि अधिक परेशानी वाली हो सकती है। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा ये क्वेश्चन का आंसर। 23 बार इसका आप इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो कुछ इस तरह से है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, ये आपका पूछा गया था एंड इसके बारे में बताया हुआ है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे आपके इंग्लिश मीडियम में आंसर से इसी में आपको अथवा देखने को मिलेगा, अथवे में पूछा गया है, ठीक है, यह है आपका और इसमें से कोई एक करना आपको जो आता होगा। नियंत्रण की प्रक्रिया में एक कदम विश्लेषण विचलन के संबंध में अपवाद द्वारा प्रबंधन की व्याख्या करनी है। अपवाद द्वारा प्रबंधन होता क्या है, तो अपवाद द्वारा प्रबंधन जिसे अक्सर अपवाद द्वारा नियंत्रण के रूप में संदर्भित किया जाता है, प्रबंधन नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो इस विश्वास पर आधारित है कि सब कुछ नियंत्रित करने का प्रयास कुछ भी नियंत्रित करने में परिणाम नहीं देता है। कुछ इस तरह के आगे के पॉइंट है इसके, कुछ इस प्रकार केवल महत्वपूर्ण विचलन जो अनुमेय सीमा से परे जाते हैं उन्हें प्रबंधन के ध्यान में लाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि किसी निर्माण संगठन में विचलन की स्वीकार्य सीमा के रूप में योजनाएं श्रम लागत में 2% की वृद्धि करती है तो केवल 2% से अधिक श्रम लागत में वृद्धि को प्रबंधन के ध्यान में लाया जाना चाहिए। हालांकि मानक से बड़े विचलन जैसे 5% के मामले को प्राथमिकता के आधार पर प्रबंधन की तत्काल कार्रवाई प्राप्त करनी होती है। कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी को अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्शन पूछा गया था बाय मैनेजमेंट, ठीक है, कुछ इस तरह से आपका हो जाएगा इंग्लिश मीडियम में, इसे आप देख सकते हैं। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड के किन्हीं तीन उद्देश्यों का उल्लेख करना है, ठीक है, तो इसके उद्देश्य क्या क्या है,
तो स्टॉक एक्सचेंजों और प्रतिभूति उद्योग को उनके व्यवस्थित कामकाज को बढ़ावा देने के लिए विनियमित करना, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा आपका पहला। दूसरा है निवेशकों, जो निवेश करते पैसा, निवेशक बोलते उसे, तो विशेष रूप से व्यक्तिगत निवेशकों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना और उन्हें मार्गदर्शन और शिक्षित करना, ये आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा। उद्देश्यों में व्यापारिक कदाचारों को रोकने और प्रतिभूति उद्योग द्वारा विनियमन और जो है इसके वैधानिक विनियमन के बीच संतुलन हासिल करने के लिए, ये तीसरा हो जाएगा। एंड आपका बिचौलिए जैसे दलाल हो गए, मर्चेंट बैंकरों आदि द्वारा उन्हें प्रतिस्पर्धी और पेशेवर बनाने की दृष्टि से एक आचार संहिता और उचित प्रथाओं को विनियमित और विकसित करना, तो ये इनके उद्देश्य है, ठीक है, भारतीय प्रतिभूति भूति विनियम बोर्ड के। आप इसे जो है अथवे में देखेंगे, स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निष्पासित किन्हीं तीन कार्यों के बारे में आपको बताना है। तो तीन कार्य कौन कौन से इसके, यहाँ पे अगर हम देखें तो मैंने आपको इसका इंग्लिश मीडियम में आंसर नहीं दे रखा, यहाँ पे गलती से यहाँ पे लगता है हट गया है, यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ था बट यहाँ पे इंग्लिश में आ नहीं पाए। इस क्वेश्चन को आप देख लेना इंग्लिश मीडियम में। आगे देखे, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बोला गया कि द्वारा निष्पादित जो है निष्पादित किन्हीं तीन कार्यों के बारे में बताना है, तो मौजूदा प्रतिभूतियों को तरलता और विपणन क्षमता जो है प्रदान करना, स्टॉक एक्सचेंज पर प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण मांग और आपूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित किया जाता है, लेन देन की सुरक्षा हो गया सुनिश्चित की जाती है क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज की सदस्यता अच्छी तरह से विनियमित होती है और इसके व्यवहार अच्छी तरह से परिभाषित होते हैं, विनिवेश और पुनर्निवेश की प्रक्रिया के माध्यम से आर्थिक विकास में योगदान देता है, नए मुद्दे को विनियमित करके व्यापक स्वामित्व सुनिश्चित करके इक्विटी पंथ का प्रसार। एंड आपका सिक्स्थ पॉइंट है, प्रतिबंधित और नियंत्रित तरीके से होने के लिए कानूनों के प्रावधानों के भीतर सट्टा गतिविधि सुनिश्चित करके अटकलों की गुंजाइश प्रदान करना, और इसका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से है, स्टेट एनी थ्री फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम में कुछ थ्री बोला गया था एंड यहाँ पे आपको सिक्स पॉइंट बताए गए हैं, तो कुछ इस तरह से ये आपका पार्ट वन यहीं तक रहने देते हैं। हम तीन तीन नंबर के क्वेश्चन हमने देखे, हमने एमसीक्यू क्वेश्चन देखे इस वीडियो में। आई होप कि आपको आपने क्वेश्चन देखे होंगे, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं अच्छे तरीके से आपको समझा नहीं पाया क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि मुझे नहीं आता है व्यावसायिक अध्ययन, जिसे आप बिजनेस स्टडीज कहते हैं, मैंने कभी इसे पढ़ा नहीं है, ठीक है। मेरे पास सिर्फ सैंपल पेपर है जो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ, कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं इन हिंदी मीडियम के जिनके पास ये पेपर्स नहीं होंगे, तो हिंदी मीडियम में पेपर नहीं दिया जाता है, तो मैंने कोशिश करी आपको हिंदी मीडियम में पेपर प्रोवाइड करवाने की। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।